तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? स्वागत है एक और न्यू गेम प्ले में। और आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं लास्ट रूल सर्वाइवल। तो गाइस, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बताया था, वो गाइडलाइन वीडियो था रूम का, कि रूम में लूट कब मिलती है हमें और कार्ड कब स्पॉन होता है, ये सब कुछ पूरी जानकारी मैंने आपको दी थी और आपने वीडियो को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया था। तो उसी वीडियो के जब मैंने कमेंट चेक किए तो कमेंट में कुछ भाई लोग ये भी लिख रहे थे कि भाई एक वीडियो इजी म्यूटेंट कितने घंटों में स्पॉन होता है इस पर भी बनाया जाए, हेलीकॉप्टर कितने घंटों में स्पॉन होता है इस पर भी बनाया जाए, और साथ ही साथ लेवल 2 का मास्क कितनी देर में स्पॉन होता है इस पर भी वीडियो बनाया जाए। तो गाइस, ये सारी चीज़ें मैंने आज एक ही वीडियो में डाल दी है, ठीक है। तो मतलब आज के वीडियो में मैं आपको लास्ट रूल से जुड़ी हुई काफ़ी जानकारी देने वाला हूँ और वो सारी जानकारी होगी स्पॉन से, मतलब ठीक है, मतलब कि कौन सी चीज़ कब स्पॉन होती है। इसमें जॉम्बी भी आ जाएंगे, इसमें जो मतलब इजी म्यूटेंट और बाकी ड्रम भी आ जाएंगे, टैंक भी आ जाएगा, और साथ ही साथ वुड से लेकर आयरन स्टोन ये सब कुछ की जानकारी दूंगा कि कितने टाइम में ये स्पॉन होती है। टाइटेनियम तक की भी जानकारी मिलेगी आज के वीडियो में। तो इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो के साथ बने रहिए, ठीक है। तो शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वुड की और ट्री की, क्योंकि ट्री से हमें वुड मिलती है। तो पहले मैं बता देता हूँ, हम जब एक ट्री को कट करते हैं तो हमें 400 वुड मिलती है। एक नॉर्मल जो ट्री होता है गाइस, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बाकी किसी किसी ट्री में हमें 100 वुड भी मिलती है, 150 भी मिलती है, लेकिन मैं नॉर्मल ट्री की बात कर रहा हूँ जिसमें हमें टोटल 400 वुड मिलती है। यह मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता चल जाए कि असल में वुड मिलती कितनी है, ऑफिशियल सर्वर की बात है। तो 400 वुड मिलती है एक ट्री में, और जो इसका रिफ्रेश टाइम होता है, मतलब कि एक ट्री को आप कट कर लोगे तो दोबारा वहाँ पर ट्री कब स्पॉन होगा, कितने टाइम में स्पॉन होगा, तो 5 मिनट में दूसरा ट्री स्पॉन होता है। ओके, अब बात करते हैं गाइस स्टोन की। स्टोन हमें 750 मिलता है एक स्टोन को कट करने पर ऑफिशियल सर्वर में। रैंक ले लो चाहे साहब, ठीक है, रैंक कोई लो यार, और सर्वर की बात नहीं करेंगे, रैंक की चल रही है अभी बात। तो 750 स्टोन मिलेगा, और इसका जो स्पॉनिंग टाइम होता है, मतलब कि स्टोन को अगर आप कट कर लिए तो 15 मिनट बाद में वहाँ पर दोबारा स्टोन स्पॉन हो जाएगा। अब बात करते हैं आयरन माइन की। आयरन माइन हम कट करते हैं तो हमें 250 आयरन मिलती है और 2 स्टील मिलती है। बाकी इसका जो स्पॉनिंग टाइम है, मतलब कि दोबारा आयरन वहाँ पर कब स्पॉन होगी, तो 15 मिनट में दोबारा आयरन माइन स्पॉन हो जाएगी। चलो अब बात करते हैं सल्फर की। हम रैंक सर्वर में एक सल्फर को अगर कट करते हैं तो हमें 120 सल्फर मिलती है, और एक सल्फर को जब हम कट कर देते हैं तो दोबारा वहाँ पर सल्फर स्पॉन होती है 15 मिनट में। अब गाइस हम लोग बात करते हैं टाइटेनियम की। तो टाइटेनियम को जब हम कट करते हैं रैंक सर्वर में तो हमें 7 टाइटेनियम मिलती है, और बाकी जो टाइटेनियम है ये दोबारा स्पॉन होती है 4 घंटे में। मतलब कि एक टाइटेनियम को जब आप कट कर लेते हो तो दोबारा वहाँ पे टाइटेनियम स्पॉन होगी 4 घंटे में। और बाकी एनर्जी जो माइनिंग होती है एनर्जी, और तो इसको आप जब कट करते हो तो आपको 6 एनर्जी मिलती है, और बाकी ये 4 घंटे में स्पॉन होती है। चलो तो ये फार्मिंग की चीज़ें हो गई, इनको हटाओ। अब इनका टाइम मैंने बता दिया है और कितनी मिलती है ये भी मैंने बता दिया है। अब मॉन्स्टर की बात कर लेते हैं। मॉन्स्टर में पहली बात करूँगा मैं, मतलब पहले सबसे पहले मॉन्स्टर को ले रहा हूँ मैं, स्प्रिट मॉन्स्टर। स्प्रिट मॉन्स्टर को हम लोग जब किल करते हैं तो दोबारा वहाँ पर स्प्रिट मॉन्स्टर स्पॉन होता है 30 मिनट में। बाकी एक इविल क्लाउ होता है जो 30 मिनट में स्पॉन होता है, ये भी होता होगा यार, मुझे नहीं पता कौन सा ज़ॉम्बी है ये। बाकी एक जो नॉर्मल ज़ॉम्बी होता है जो थोड़े ब्लैक ब्लैक कलर के कपड़े पहने रखता है, वो 30 मिनट में स्पॉन होता है। वॉल्फ की अगर बात की जाए तो वो 1 घंटे में स्पॉन होता है, एनिमल्स में आ गया वैसे ये। और बैंडिट मॉन्स्टर ये 1 घंटे में स्पॉन होता है। और बाकी जो एक वो जोकर से शक्ल का आपको दिखाई देता है ना, क्रूड ऑयल बेस पर रहता है और फैक्ट्री पर रहता है और रिसर्च सेंटर पर रहता है, वो 6 घंटे में एक बार स्पॉन होता है, और उससे हमें स्टोरेज बॉक्स मिलता है जो कि ऑपरेशन बेस में काम आता है। चलो तो 2 चीज़ें मैंने बता दी, ये मॉन्स्टर की भी बात हो गई, इनका रिफ्रेश टाइम भी बता दिया मैंने। अब बात करते हैं बॉस की। तो बॉस में जो आइटम आते हैं वो मैं बता देता हूँ, जैसे कि इजी म्यूटेंट, अटैक हेलीकॉप्टर, एवेंजर, टैंक, और बाकी एयर ड्रॉप और वार मशीन। तो पहले इजी म्यूटेंट की बात कर लेते हैं। इजी म्यूटेंट स्पॉन होता है 6 घंटे में, और ये जगह होती है जहाँ पे स्पॉन होता है बायो रिसर्च लैब पर।
अटैक हेलीकॉप्टर स्पॉन होता है गाइस एयरपोर्ट पर, और इसका स्पॉन होने का टाइम है 6 घंटे। 6 घंटे में एक बार हेलीकॉप्टर आता है। एवेंजर का स्पॉनिंग टाइम है 6 घंटे का गाइस, और ये मिलिट्री बेस पे मिलेगा। बाकी अगर बात की जाए टैंक की, तो टैंक आपको मिलेगा एयरपोर्ट पे, और इसका जो स्पॉनिंग टाइम है मतलब दोबारा टैंक आएगा 6 घंटे में। एयर ड्रॉप आती है गाइस 6 घंटे में, और ये किसी भी जगह आ जाती है, ये तो आप लोग भी जानते ही है, कोई फिक्स जगह नहीं रहती इसकी। बाकी जो वार मशीन है, वार मशीन आपको मिलेगी हार्बर में, और जो न्यू वाला मैप है उसमें मिलेगी, और इसका स्पॉनिंग टाइम है 24 घंटे का। अगर आप एक बार वार मशीन को एक तरह से मतलब तोड़ देते हो, तो दोबारा वो मिलेगी आपको 24 घंटे में स्पॉन होकर। अब गाइस आप वीडियो के साथ में बने रहिए, क्योंकि अभी तक मैंने लेवल 2 के मास्क के बारे में नहीं बताया ना, तो वो मैं आगे जाके बताने वाला हूँ। पहले मैं एक बात कर लेता हूँ आप सभी से, कि जो मैंने ये टाइम बताया बॉस में, जैसे कि इजी म्यूटेंट और एवेंजर टैंक, इन सभी का जो मैंने टाइमिंग बताया है स्पॉन होने का, ये ऑफिशियल सर्वर के लिए है, सोशल सर्वर के लिए बिल्कुल नहीं है। ओके, क्योंकि सोशल सर्वर में क्या है कि एडमिन की मर्जी होती है, वो कैसे भी कुछ भी स्पॉन कर सकता है। सोशल सर्वर में तो यार ड्रॉप भी है ना, वो मतलब 10-10 मिनट में स्पॉन होती रहती है, तो इसलिए ऑफिशियल सर्वर की बात चल रही है यहाँ पे। अब बात करते हैं गाइस हम लोग सप्लाइज में, ठीक है। तो सप्लाइज में सबसे पहले आते हैं लेवल 1 के मास्क की। तो लेवल 1 का जो मास्क है, ये आपको 15 मिनट में मिलेगा, मतलब एक बार अगर कोई लेवल 1 का मास्क ले गया तो दोबारा वो 15 मिनट में स्पॉन होगा। अब आप सोचोगे कि ये कहाँ पे मिलेगा भाई, तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि गैराज पे एक टूल बॉक्स पड़ा रहता है, किसी भी गैराज पे चले जाना, उसको तोड़ोगे तो उसमें आपको लेवल 1 का मास्क मिल जाएगा। गैस स्टेशन पर भी मिलता है ये, गैस स्टेशन पर भी आप लोग जा सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग लेवल 2 के मास्क की। लेवल 2 का मास्क आपको मिलेगा फैक्ट्री पर, बॉम्ब शेल्टर में, और रिसर्च सेंटर पर, ठीक है, तो क्रूड ऑयल बेस पर भी मिलेगा। हाँ, तो इन जगह पे लेवल 2 का मास्क आपको मिल जाएगा। बाकी जो इसका स्पॉनिंग टाइम है वो है 20 मिनट, मतलब कि अगर कोई लेवल 2 का मास्क ले गया रिसर्च सेंटर से एक बार मान लो, तो उसके 20 मिनट बाद में दोबारा लेवल 2 का मास्क स्पॉन हो जाएगा, मतलब कि जो वो टूल बॉक्स रहता है वो वहाँ पे आ जाएगा, और आप लोग दोबारा मास्क ले सकते हैं। तो गाइस अब आपकी दिक्कत दूर हो जाएगी, लेवल 2 के मास्क की भी मैंने बात बता दी है, ओके, और मैंने जगह भी बता दी है कहाँ कहाँ पे ये मिलता है, और बाकी टाइमिंग भी मैंने बता दी है, 20 मिनट में एक बार स्पॉन होता है। अब बात करते हैं रेड ऑयल ड्रम की, क्योंकि इससे हमें फ्यूल मिलता है, तो इसीलिए इसकी बात कर लेते हैं। रेड ऑयल ड्रम हमें ज़्यादातर मिलता है एक तो न्यूक्लियर पे, क्रूड ऑयल बेस पर, और बाकी गैराज पे और गैस स्टेशन पर। तो यहाँ पे से जब हम एक बार ये मतलब ड्रम तोड़ देते हैं, तो दोबारा ये स्पॉन होते हैं 1 घंटे में। ओके, तो मतलब कि 1 घंटे में ये ड्रम स्पॉन हो जाएंगे, और आप दोबारा जाके फ्यूल ले सकते हैं। अब गाइस बात कर लेते हैं येलो ऑयल ड्रम की। ये आपको रोड के पास मिलता है, कभी कभी ये कुछ अलग जगह भी मिल जाता है, किसी किसी आइसलैंड पर भी, लेकिन इसका जो स्पॉनिंग टाइम है वो है 15 मिनट। जैसे कि कई बार क्या होता है कि रोड पे हमें ड्रम नहीं मिलते, कोई बंदा तोड़ के चला जाता है, तो हमारे दिमाग में ये बात आती है कि यार ड्रम कब स्पॉन होगा, कितना टाइम है, ये शायद किसी को पता भी नहीं होगा। तो मैं बता देता हूँ कि इसका स्पॉनिंग टाइम है 15 मिनट का, 15 मिनट बाद में येलो ऑयल ड्रम स्पॉन हो जाते हैं रोड पर भी, और बाकी जगह भी, जितनी भी जगह स्पॉन होता है। बाकी जो रही बात ब्लू ऑयल ड्रम की, तो इसका जो स्पॉनिंग टाइम है वो है 15 मिनट का, और ये भी आपको रोड पे और कुछ आइसलैंड पे भी मिल जाते हैं ये। तो गाइस सारी चीज़ों की जानकारी मैंने आप सभी को दे ही दी है, ठीक है, अब कुछ बचा नहीं है। और दूसरी बात एक मैं ये भी बता दूँ कि मैं इन सबको लिख के नहीं बता सकता था, क्योंकि ये काफ़ी आइटम हो गए, ओके, लिखने में फिर उसके बाद क्या है कि यार बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता, तो इसलिए मैंने बोल के आप सभी को समझा दिया है, क्योंकि एक तरह से मैंने हिंदी समझने वालों के लिए वीडियो बनाया है। और ये सारी बातें बताने के लिए ही जो वीडियो चल रहा है अभी, वो तो मैंने ऐसे ही बनाया है, बस उस पर ध्यान मत दो, आप मेरी बात पर ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ बस उसी से आपको मतलब रहेगा। तो बस यार गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो पे 300 लाइक का एम लगा रहा हूँ मैं, तो सभी भाई लोगों को इस वीडियो को लाइक करना है, और जितने भी हमारे भाई लोग हैं जिन्होंने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से यार सब्सक्राइब कर लीजिए।
अगर अभी तक आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है तो लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्दी से जाइए और हमारे पेज को फॉलो कीजिए और वहाँ पे भी हमारे वीडियो आप लोग देख सकते हैं और वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं, ये तो सीधी सी बात है। तो हम मिलेंगे एक और न्यू गेम प्ले में, तब तक के लिए गुड बाय।